बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही हैं। तेज प्रताप ने कहा कि बागेश्वर धाम के लोग हमारे आवास पर माफी मांग रहे हैं, वो खुलासा करेंगे कि लोग क्या क्या करते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि बागेश्वर बाबा डरपोक हैं, देशद्रोही हैं और वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले हैं, इसलिए उनका विरोध किया जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं, गेट पर हो जाए उसका वीडियो, अच्छा उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा तो बाबा के नाम से माफी, आप जाइएगा पर्ची दिखाने सर। पर्ची दिखाने जाइएगा सर, तो क्या कार्यक्रम होगा? प्रताप जी कार्यक्रम होगा, बागेश्वर आदमी को भेज रहा है तो माफी दे दिए, 10 दिन से भेज रहा है, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य द्रोही है, देश द्रोही है बागेश्वर बाबा, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। तेज प्रताप यादव के बागेश्वर धाम के बाबा वीरेंद्र शास्त्री को देशद्रोही बताए जाने पर बीजेपी ने कहा कि तेज प्रताप यादव डिलीट हो चुके हैं, उन्हें देशभक्ति और देशद्रोही में अंतर पता नहीं है या ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहते हैं। देखिए जो डिरेल स्वयंसेवी संस्था बनाने वाले लोग हैं उनसे और क्या सोच सकते हैं, उनको पता नहीं है कि देशभक्त देशद्रोही में क्या अंतर है। ऐसे सियासत विरासत के रूप में मिला हुआ है, पहले ये लोग मानसिक स्थिति सब लोग का गड़बड़ हो चुका है, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो सब का हो, ये सारे लोगों को ये श्री तेज प्रताप जी जो डिरेल स्वयंसेवी संस्था बनाए हुए हैं तो इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है। तेज प्रताप जी को यही पता नहीं है कि राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं, राष्ट्रद्रोही किसे कहते हैं, पहले इसका समझ कर लें उसके बाद वो कुछ बयान दें। लेकिन वो कहते हैं कि उनके लोग आके यहाँ हमारे आवास पर माफ़ी मांगने के लिए 10 दिन से खड़े हैं। देखिए जहाँ पर ये कथा हो रहा है वहाँ जाएंगे तो धुआं जैसा उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ।